हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है आंखों देखी, जिसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो इसे देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, बाबूजी और उनका छोटा भाई ऋषि। दोनों एक ही परिवार में रहते हैं और एक दूसरे का बहुत इज्जत करते हैं। एक दिन बाबूजी की बेटी रीटा अपने बॉयफ्रेंड अज्जू के साथ मूवी चली जाती है और इस बात की खबर घर वालों को चल जाती है। चाचा डांटने लगते हैं। रीटा कहती है, चाचा जी मैंने किया क्या है, पिक्चर ही तो गई थी उस लफंगे के साथ, वो ऐसा नहीं है। तो पंडित जी का लौंडा झूठ बोल रहा है। बबुआ कहता है, नहीं चाचा जी, कसम से कोई ना कोई कांड करके तीसरे दिन तो जेल में ही रहता है। मम्मी भी डांटने लगती है, घर से कॉलेज जा रही हूँ करके जाती है, ये है तेरा कॉलेज, बहुत कर ली पढ़ाई, कल से तेरा कॉलेज जाना बंद, अब नहीं मिलेगी तू उससे। मिलूंगी, देख रहे हो भाई साहब इस लड़की को। रीटा कहती है, ऐसे नहीं ना मिल रही हूँ, प्यार करती हूँ। अरे पागल, तू तो प्यार करती है, पर उसके दिल में क्या चल रहा है वो तुझे खबर है। कल को अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो फिर टेस्ट में बहाती रहना। ऋषि कहता है, भाई साहब वो लड़का ठीक नहीं है, जिससे पूछो एक नया किस्सा सुना जाता है, वो लौंडियाबाजी में एक नंबर का है, ना उसके आगे कोई ना पीछे, और ना ही उसका कोई काम धंधा, अब क्या करें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इधर अज्जू भी परेशान होकर रीटा के घर में कॉल कर देता है, कहता है मुझे रीटा से बात करनी है तो करनी है। उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती है, रीटा को एक रूम में बंद कर देती है, वो चिल्लाने लगती है। रीटा कहती है, कम से कम फोन में तो बात करने दो मम्मी। रीटा भी परेशान होकर अब खाना खाना ही बंद कर देती है। बाबूजी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो पुलिस को लेते हैं और अज्जू के घर चले जाते हैं। चाचा अज्जू के बाल पकड़ कर देते ही देते हैं, कहते हैं मोहल्ले की लड़कियों को बर्बाद करोगे वे तुम। बाबूजी ऋषि को शांत कराते हैं और अज्जू से कहते हैं, देखो मैं रीटा का पिताजी हूँ, हम सब उसके परिवार वाले हैं, उसका भला बुरा हम ही तो सोचेंगे ना, और तुम ना उसको तंग मत किया करो, उसका पीछा मत करो, समझ रहे हो कि नहीं। देखो चाहने वाले हैं तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। रात में बाबूजी रीटा को खाना खिलाने लगते हैं, चलो अब खा लो, 24 घंटे हो गए हैं तुमने कुछ नहीं खाया, चलो अब खा भी लो, अब क्या करें, हाथ जोड़ के माफी मांगे, सॉरी बोलेंगे तब खाओगी। वो ऐसा लड़का नहीं है बाबूजी, हाँ नहीं है वो ऐसा, हम तो देख के भी आ चुके हैं, तुम ठीक किए हम सब गलत, अब खा लो। खूब कूटा होगा आप सब लोगों ने उसे, एकदम नहीं मारा मैंने, मैंने तो नहीं मारा। रीटा कहती है, चाचा ने तो मारा होगा, मुझे पता है बहुत मारा होगा उसे, वो चाचा हैं बेटा, तुमसे बड़े हैं और तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। रीटा रोते हुए कहती है, बाबूजी फोन पे बात कर सकते हैं क्या, लो खाना खा लो फिर कर लेना, लेकिन किसी से कहना नहीं। बाबूजी कहते हैं, कितने गधे हैं हम, पंडित जी का लौंडा आके कुछ भी अनाप शनाप बक गया अज्जू के बारे में, और हमने मान लिया अज्जू ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आज मिला था उससे, लड़का एकदम गऊ है। उनकी पत्नी कहती है, वाह भाई वाह, तुम तो देखते ही पहचान गए, बाकी के सब गलत हो गए, तो फिर क्या करें, अपने आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कह रहे हैं उसको मान लें, तुम भी देखती ना तो कहती लड़का एकदम गऊ है, उसके सामने तो हमारे घर वाले गुंडे लग रहे थे, वो बेचारा तो एक बार भी कुछ नहीं बोला। उनकी पत्नी कहती है, वाह वाह वाह, वो बेचारा, तुम्हारी बेटी बेचारी और एक तुम बेचारे। बाबूजी कहते हैं, एक बात समझ में आई कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, मार मार के दुनिया भर का झूठ हमारे अंदर ठूस दिया जाता है, और हम गधे के बच्चे सब कुछ आंख मूंद कर सच समझ कर सटक गए, सच समझकर पूरा का पूरा, और उसी झूठ को अपना सच समझ लिए।
अपने छोटे भाई को कहते हैं, ये अखबार नहीं बकवास है, खबर नहीं है ये, खबर वो होती है जो अपने आंखों से देखो, कानों से सुनो, बाकी सब बकवास। देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा काम है, जिसको तुम जानती हो, जिसको तुमने जिया है, वही तो हकीकत है ना, वही तो जिंदगी है, सच है, बाकी का क्या है। जो बात मेरी समझ में आई कि वो ये है, जो बात आप अपने अनुभव से नहीं जानते, उस पर कैसे यकीन करें। ये तो मतलब कही सुनी वाली बात हो गई, तुम्हें किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया। अब जो मैं ये कह रहा हूं उसे सच मत समझ लेना, क्योंकि ये मेरा सच है, तुम्हारा सच कुछ और है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। आज से मैं उस हर बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा सुना ना हो। हर बात पे सवाल करूंगा, हर चीज को दोबारा देखूंगा, सुनूंगा, जानूंगा, अपने नजर के तराजू से तौलूंगा, और कोई भी ऐसी बात जिसको मैंने जिया ना हो उसको अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। जो कुछ भी मुझे गलत सिखाया गया है वो सब भुला दूंगा एकदम, जो देखूंगा उस पर ही विश्वास करूंगा। बाबूजी जब ऑफिस जाते रहते हैं तो रास्ते में पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हैं, तो वो खा लेते हैं, फिर कहते हैं प्रसाद नहीं कलाकंद था। अगले दिन पंडित जी कहते हैं, आजकल आपके दर्शन नहीं होते, क्या बात है, भगवान की जरूरत नहीं रही या फिर भगवान पर से विश्वास ही उड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, बस एक फैसला कर लिया है कि जिस सच को मैं देखूंगा नहीं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये मतलब मेरा फैसला है, तो क्या चाहते हो तुम, भगवान स्वयं प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने? ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए पंडित जी। अब उनके पड़ोसी एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछने लगते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो बाबूजी कहते हैं होंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं मतलब आप होंगे कर रहे हैं बाबूजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बच्चों को भी पता है होगा, ये क्या बात हुई, सब कुछ होंगे या होगा के हाथ सौंप रहे हैं, मतलब कुछ निश्चित है कि नहीं? बाबूजी कहते हैं दिन है, ये निश्चित है, अब रात होगी। जब बाबूजी ऑफिस में टिकट काटते रहते हैं तभी उनको एक फोन आता है, वो कहते हैं दिल्ली से एम्स्टर्डम की फ्लाइट दिखा रही है, वो कहते हैं 17 तारीख को है, मगर मैं वहां कभी गया नहीं हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि कितने घंटे की फ्लाइट है, वहां ओले पड़ रहे हैं कि नहीं, मैं जानता नहीं हूं ना। मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल के अपने आप को झूठा साबित क्यों करूं? उनके बॉस उनको बहुत डांटते हैं, वो कहते हैं सर मैं जिस जगह गया ही नहीं हूं, मैं कैसे कह दूं कि वहां बारिश हो रही है या ओले पड़ रहे हैं। ऑफिस में सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। बाबूजी समझ जाते हैं अब यहां मेरे को रोज झूठ बोलना पड़ेगा, इसीलिए वो अपना जॉब ही छोड़ देते हैं। इधर अज्जू रीटा के घर आ जाता है, बाबूजी से कहता है मैं रीटा से शादी करना चाहता हूँ। चाचा कहते हैं क्या करते हो तुम, कुछ कमाई का जरिया है? LIC एजेंट हूँ, वो तो चल ही रही है, एग्जाम भी दिया है सील टैक्स का, अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। जब घर वालों को पता चलता है कि बाबूजी ने नौकरी छोड़ दी है तो उनको सभी लोग पूछने लगते हैं, आखिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? बाबूजी कहते हैं मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां बार बार झूठ बोलना पड़े। रात में ऋषि कहता है भाई साहब कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो ना। दूसरी जगह देखने का सोच रहे थे, अलग होने की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई सोच रहे थे, पर क्यों? बस ऐसे ही थोड़ी होता है ऋषि, रिश्ता होता है, परिवार होता है कि नहीं, मानते भी हो कि सब छोड़ छाड़ दिए, रिश्ता तो फिर भी रहेगा ना भाई। अरे क्या रिश्ता रहेगा, घर एक चूल्हा होना मायने रखता है ऋषि बाबू।
लेकिन ऋषि अपने बड़े भैया से अलग हो जाता है। बाबूजी को अपने छोटे भाई का ऐसे घर छोड़ देना अच्छा नहीं लगा। वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कहा नहीं, और इसी बात के चिंता में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पर ऋषि अपने भैया को देखने तक नहीं जाता, लेकिन उनकी पत्नी लता जाती है। ऋषि लता को डांटते हुए कहता है, आ गई हो के? कहता है, नया घर लिया था, उसकी खुशी नहीं है उनको, एक बार बात तक नहीं की, कम से कम बधाई ही दे देते। बाबूजी के पड़ोसी उनको कहने लगते हैं, डॉक्टर ने कही कि ये दवाई खानी है तो आपने मान लिया, शायद डॉक्टर झूठ भी बोल रहा हो, और हंसने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद बाबूजी कहते हैं, आज से मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। बाबूजी मार्केट में एक कार्डबोर्ड में सब कुछ यही है, आंखें खोल कर देखो लिख कर घूमते रहते हैं। अब उनके दोस्त कुछ भी पूछते हैं तो वो कार्डबोर्ड दिखा देते हैं। अब बाबूजी कुछ लोगों के लिए मजाक का जरिया बन जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए पागल। पंडित जी उनके छोटे भाई को कहते हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं? इधर घर वाले भी बाबूजी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उनकी पत्नी उनको समझाने लगती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रात में बाबूजी रोने लगते हैं और रीटा को कहते हैं, मैं तेरी शादी उस लड़के से कराने के लिए तैयार हूँ। रीटा तुरंत सुबह अज्जू के पास जाती है और उसको बताने लगती है कि बाबूजी मान गए हैं। बाबूजी का बेटा समी 38,000 पैसा लेके जुए में हार जाता है। जब गोपी भाई अपना पैसा मांगता है तो वो भागे भागे फिरता रहता है। एक दिन गोपी के लोग समी को बहुत मारते हैं। ये बात जब बाबूजी को पता चलता है तो वो तुरंत गोपी भाई से मिलने जाते हैं और 6,000 देते हैं। कहते हैं बाकी के धीरे धीरे लौटा देंगे। बाबूजी बात नहीं करूंगा बोल दिए होते हैं, लेकिन जब बात बेटे पे आ जाती है तो वो बोलते हैं, इसीलिए वो गोपी के पास जाके बात किए। गोपी को बाबूजी कहते हैं, बेटा बाहर तुम्हारी छवि एकदम खराब है, जब पता चला समी को मारा है तो लोग कहने लगे गोपी ने मारा होगा, पर तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो बेटा जैसे लोग कहते हैं, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। गोपी को बाबूजी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो कहता है, समी भी बहुत अच्छा लड़का है। गोपी उनको पूछता है, क्या आप भी तीन पत्ती खेलते हैं क्या? बाबूजी कहते हैं, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता बेटा। गोपी उनको सिखाता है। अब बाबूजी खेलते ही नहीं बल्कि खिलाड़ी हो गए हैं। एक दिन गोपी भाई बाबूजी को बुलाता है, कहता है, मैं चाहता हूं आप कंपनी की तरफ से खेलें, महीने का 20,000 और हर जीत पे 20%, हार में सब कुछ हमारा। बाबूजी मान जाते हैं, क्योंकि उनके छोटे भाई ऋषि के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इधर अज्जू के मम्मी पापा रीटा और अज्जू के शादी के लिए बात करने आ जाते हैं, लेकिन बाबूजी को पत्ती खेलने जाना रहता है। वो कहते हैं, मेरे तरफ से सब कुछ हाँ है, मैंने लड़के से बात कर ली है, और वो पत्ती खेलने चले जाते हैं। रात में जब वो अपने दोस्तों के साथ वापस घर आते रहते हैं तो कार्ड पसंद करने चले जाते हैं और वो एक सफेद शादी कार्ड छपवाते हैं, क्योंकि सफेद साफ सुथरा लगता है। रीटा शादी कार्ड देख के भड़क जाती है, कहती है, बाबूजी ऐसा होता है शादी कार्ड? कार्ड है या इश्तेहार? इससे सुंदर जो कचहरी का नोटिस आता है ना, वो सुंदर रहता है, पुलिस का वारंट भी इससे ज्यादा सुंदर रहता है। और वहां से चली जाती है। बाबूजी कहते हैं, कैसे शेर की तरह दहाड़ रही थी, सफेद में क्या समस्या है, अच्छा तो लग रहा था साफ सुथरा, क्या पता ज्यादा लिखा होना रंगीन होना, शायद शादी की कोई व्यथा होगी। फिर उनके दोस्त कहते हैं, बाबूजी क्या आपने शेर देखा है? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शेर दहाड़ता है? फिर क्या, निकल पड़ते हैं शेर देखने। जब वो लोग बहुत देर से शेर का इंतजार करते रहते हैं कि कब दहाड़ेगा, जब शेर दहाड़ता है तो बाबूजी का पानी निकल जाता है, तब उनको पता चलता है कि शेर सच में दहाड़ता है।
इधर उनके घर वाले इस बात पे परेशान हो रहे थे कि आखिर आप छोटे भाई के घर क्यों नहीं जा रहे हैं शादी कार्ड देने। इधर ऋषि भी जिद लगाकर बैठा था कि जब तक भाई साहब नहीं आएंगे मैं शादी में नहीं जाऊंगा। बाबूजी शादी कार्ड देते हुए कहते हैं, देख लो, दिल करे तो आ जाना, अच्छा ही लगेगा, सब लोग मिलेंगे। ऋषि कहता है, आप बता दीजिएगा अगर कोई काम हो तो। नहीं नहीं, काम वाम तो एक जरिया है। समी की मम्मी बहुत याद करती है, रीटा भी। कई बार जिक्र चलता है, आ जाओगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। लता कहती है, आप कैसे बोल रहे हैं भाई साहब, हम जरूर आएंगे। नहीं बहू, मन मुटाव जो होता है वो होता है, वो बात की बात है। तुम लोग रहोगे तो मुझे अकेलापन नहीं लगेगा, मनोबल बढ़ेगा। ऋषि कहता है, कुछ लोग बोल रहे थे जुआ खेलना शुरू कर दिए हो। हाँ, अगर जेल हो गया तो ऋषि बाबू आपसे तो उम्मीद नहीं करूंगा कि आप आए और छुड़ाएं। पंडित जी का लौंडा जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है, फिर क्या, दे दनादन दे दनादन। उनके दोस्त कहते हैं, समाज का क्या, जिसने खेली ही नहीं उसके बारे में क्या जानेंगे। कैसे बाबूजी, क्या गधों जैसी बात कर रहे हैं यार तुम लोग। पूरे परिवार में लड़ाई चल रही है, इधर उधर से पैसे बटोर के ला रहे हैं, जुआ खेलना पड़ रहा है, ये कोई समझदारी वाली बात है। कमाल है, अंधों की शहर में आईना बेच रहा हूं। उनके दोस्त कहते हैं, बाबूजी जो रास्ता आपने दिखाया था उसी पे तो चल रहे हैं। अरे भाई, मैंने नहीं कहा कभी कि जुआ खेलो। अरे मूर्खों, मैं अपनी जिंदगी में एक जूता ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरे पैर आ सके। अगर आप उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो कटेगा ही ना। ऊपर से दोष ये कि जूते की गलती है। पर बाबूजी, हम तो आपके पास सीखने के लिए आते हैं। माफ कीजिए, पर आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ मेरी नकल करके। अपने अनुभव से जानो चीजें को, मेरे नहीं अपने। इधर उधर करते शादी का दिन आ जाता है, सभी लोग आते हैं, उनका छोटा भाई ऋषि भी आता है। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न होती है, भाई भाई ही होते हैं, हालांकि वो कम कहते हैं लेकिन जरूरत पड़ती है तो प्यार दिखा देते हैं। ऋषि अपने भैया से माफी मांगता है, बाबूजी कहते हैं कभी कभी फोन कर लिया करना, और दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। शादी के 28 साल बाद दोनों एक बार फिर घूमने निकलते हैं। बाबूजी कहते हैं, कितना हल्का लग रहा है आज, सारे झंझटों से दूर, मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। उनकी पत्नी कहती हैं, वैसे तो बड़े अनुभव की बात करते हो, कभी उड़ने का अनुभव है आपको। बाबूजी रात में सोचने लगते हैं, सुबह जल्दी ही उड़ जाते हैं, कहते हैं कुछ अनुभव अभी भी बाकी है जो सिर्फ सपने में भोगे थे, जैसे कि ये सपना जो मेरे सपने में बार बार आता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं और एक पहाड़ से कूद जाते हैं, लेकिन ये सपना नहीं, वास्तविकता है। ये जो हवा मेरे चेहरे को चूम रही है, ये यथार्थ है, सच है, और मुंह ही खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, शायद ना भी। थैंक यू।